27 अक्टूबर 1947 मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन भारत ने अपनी गासिब फौज को वादी में उतारा और हिंदुस्तान आज तक अपने जारहाना और गासिबाना तर्ज अमल पर कारबंद है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान ने आलमी कवानीन पामाल करते हुए कश्मीर पर कब्जा किया। जम्मू कश्मीर पर भारत के जबरो इस्तेदाद, जुल्मो बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी के 74 साल मुकम्मल हो गए हैं। तकसीम हिंद के वक्त रियासतों को इस्तस्वाब राय से फैसले का अख्तियार दिया गया था। कश्मीरियों की मकामी क़यादत ने कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने साजबाज करके हिंदुस्तान के साथ जाली मुआहदा किया। इस मुआहदे की कानूनी और तारीखी हैसियत साबित शुदा नहीं। मकबूजा कश्मीर की मकामी क़यादत भी काले इकदामात के खिलाफ सरापा एहतजाज है और मकबूजा कश्मीर में तारीख का बदतरीन लॉकडाउन 814 दिन से नाफिज है। हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की भारतीय हुकाम ने खुद तदफीन की और सैयद अली गिलानी के खानदान को जनाजे में शामिल नहीं होने दिया गया। सैयद अली गिलानी की वसीयत के मुताबिक उन्हें श्रीनगर के शहदा कब्रिस्तान में दफन होना था, लेकिन बदहवास मोदी हुकूमत ने सैयद अली गिलानी की मैयत की उनकी रिहायशगाह के करीब तदफीन की। भारत जम्मू कश्मीर में बदतरीन जंगी जराइम का भी मुर्तकिब है, जबकि हिंदू इंतहा पसंद बीजेपी कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी पर तुली हुई है। तुर्क सदर ने अक्वामे मुत्तहिदा इजलास में मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया, जबकि मलेशिया के वजीर आजम ने भारतीय इकदामात को मकबूजा वादी पर कब्जा करार दिया और 16 यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबरान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर खत लिखा। तुर्की, मलेशिया और ईरान की क़यादत का मसला कश्मीर पर उसूली मौक़िफ दुनिया के सामने है। सदर मुमलिकत पाकिस्तान आरिफ अलवी ने यौम स्याह के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि भारत ने 74 साल कबल कश्मीर पर नाजायज तसल्लुत कायम किया। भारत ने 7 दहाइयों से ज़ायद कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है।